आदरणीय आदित्यनाथ जी, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत लास्ट ईयर इन्होंने हमें कहा और आज हम यहाँ हैं। बिग हैंड हम प्रकाश जी, ये डबल डेकर बस किया जा रहा है और जितनी जल्दी ये लखनऊ में स्टार्ट करेंगे वो इनके ऊपर है और साथ ही चाबी इनके पास। अब सीएम को हम जरा आशीर्वाद मांगेंगे। मैं विनती करना चाहूंगी हिंदुजा ग्रुप के भारत के अध्यक्ष श्री अशोक हिंदुजा जी, यूरोप के अध्यक्ष श्री प्रकाश हिंदुजा जी, अशोका लैंड के इस पूरे कार्यक्रम के जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में यूपी गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर ये एमओयू आगे बढ़ा है, श्री धीरज हिंदुजा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सतान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और हमारे प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं श्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर दोनों जगह रहते हैं, यहाँ पर भी और बलिया में भी। प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विधायक विकास गुप्ता जी, अन्य सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, यूपी सीडा के हमारे सीओ श्री मयूर माहेश्वरी जी और हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट, उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है, अशोका लैंड के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आज आपने यह आयोजन किया है, मैं इसके लिए हिंदुजा ग्रुप को, अशोका लैंड को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश जी ने और अशोक जी ने मुझे एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी सौंपी। मैं चाहूंगा कि चाबी नहीं बल्कि आप जितने जल्दी हो सके प्रोडक्शन करें। उत्तर प्रदेश का बाजार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का पूरा बाजार उनका इंतजार करेगा। अकेले उत्तर प्रदेश में हम जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लेके आते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को भी पब्लिक फ्रेंडली अपने निवेश को बनाना पड़ेगा। 1,00,000 स्कूली बस है हमारे पास, सभी रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक बस में, बसरते इस दिशा में हम लोगों ने अपने स्तर पर थोड़ा भी इनिशिएटिव लिया। उत्तर प्रदेश ने 1,05,000 से अधिक हमारे पास राजस्व गांव है और 2,00,000 से अधिक मजरे हैं,
अगर इन राजस्व 1 लाख गांवों को भी हमें जोड़ना होगा तो भी सस्ती सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा अच्छी बेहतरीन माध्यम बन सकती है। इसमें हम अपने प्रदेश के तमाम युवाओं को इस सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप भी कुछ इनिशिएटिव उठाएं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ाए, एक एक गांव को जोड़ने के लक्ष्य के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव शहर से जोड़ने के लिए, गांव का प्रोडक्ट शहरी क्षेत्र में आए, छोटे ट्रक्स आपके जो बने हुए हैं माल ढोने वाले, सामान्य गांव की सब्जी है, गांव का फल है, गांव में कोई गांव का कोई उत्पाद है वह मार्केट में लेके आना है, इलेक्ट्रिक ट्रक, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक जो गांव की आवश्यकता, या फिर जीनिंग प्लांट के रूप में अगर हम लोग उस प्रकार के दूध को दुग्ध समितियों के साथ जोड़ करके भी सिटी के अंदर लाने में योगदान दे सकेंगे तो भी एक बहुत बड़ा मार्केट अकेले यूपी आपके पास है। और यूपी का मतलब यूपी नहीं है, यूपी का मतलब बिहार भी, मध्य प्रदेश यूपी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये सभी राज्य इस सुविधा का लाभ लेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल जो शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया गया है, 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है। और आज अशोका लेलैंड ने अपने कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यह इस ग्रुप पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत हर इलेक्ट्रिक बस 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव अपनी ओर से दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमारी अपनी पॉलिसी अलग है, इन्वेस्टर के लिए भी है और साथ साथ जो प्रक्योर कर रहा है, जो खरीदेगा उसके लिए भी पॉलिसी हमारी आई है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, देश की अच्छी पॉलिसी में से एक है। अगर उसका लाभ उठा पाएंगे लोग भी उठा लें और इन्वेस्टर भी उठा लेगा तो जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि नेट जीरो के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही होगा, उस दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम होगा। मैं एक बार फिर से इरा ग्रुप को, अशोका लेलैंड को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।